जून 2022 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਲੀਵਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ शहर के एक मानसा का नौजवान रहा पंजाब के मानसा जिले का एक नौजवान रहा जिसकी 23 मई 2023 मौत हो जाती है। उसकी मौत की खबर सुन के परिवार गहरे दुख के उसके साथी मित्र गहरे दुख के सरी के अमनजोत सिंह उर्फ मनी नाँ का नौजवान जो कि सरी शहर के 2022 जाता है। 2022 अपनी पत्नी जशनदीप कौर सिद्धू के नाल कनेडा जाता है। कनेडा अपने चंगे भविख ले जाता है। इस वक्त उम्र उसकी 30 साल सी पर 23 मई 2023 में उसकी मौत की खबर कनेडा तो आ जाती है। जदों उसकी मौत की खबर मापियां नूं मिलती है तो मापे पब्बा मार के रोण लग जाते हैं। तो मापे रोंदे देखे नहीं जाते। 30 साल का नौजवान पुत जदों इस जहानों तुर जाता तो मापियां का दुख चलिया नहीं जाता। साथियों का कहना है कि उसकी सेहत दे विच लीवर दे विच प्रॉब्लम आई सी। उन्हां दा कहना है कि कनेडा का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है जिस कारण उसकी सेहत दे विच प्रॉब्लम आई। पंजाब दे विच बदलवा मौसम है, गर्मी सर्दी का मौसम बदलता रहता है, पर कनेडा दे विच ज़्यादा ठंड होने कारण उसकी सेहत विच खराबी आई जिस कारण 23 मई 2023 में उसकी साइलेंट अटैक दे नाल मौत हो जाती है। मापियां का कहना है, पिता पवित्र सिंह का यह कहना है कि उसने मौत होने तो एक दिन पहला साढ़े नाल गलबात की, वह बिल्कुल ठीक सी, पर 23 मई 2023 में उसकी अचानक मौत हो जाती है। जो डेड बॉडी है वह बाहरों आई है तो उसके मापियां वालों संस्कार किया जाना है। मापे गहरे ही दुख में ने, मापे इस कदर भुब्बा मार रो रहे हैं कि दोनों का दुख झल्लिया नहीं जा रहा। साढ़े बड़े वीर पवित्र सिंह नूनी जो सबका ट्रक यूनियन के मैंबर से उन्होंने खलोता बेटा से अमरजोत सिंह मणी मान जिसकी तकरीबन 30 साल उम्र सी वह कनेडा शहर के सरई शहर के कनेडा रह रहा है आपके परिवार के नाल उन्होंने अचनचेत साइलेंट अपना दिल का दौरा पिया जिस दे नाल साड़ी अचनचेत जी दुखदाई घटना वापर गई 24 तरीक न। सो उदा अज एयरपोर्ट के उत्ते डेड बॉडी आई है जिसन लैके साडा वड्डा वीर आपके बेटे लैके आ रहा है जिसका संस्कार अज तकरीबन 12:30 बजे आराम बाग मानसा के किया जाए। बच्चे ना अमनजोत सिंह मनी से जी ये पिछली जून 2022 में कैनेडा गया सी उदों कुछ देर उत्थे रह के उहदे इनफेक्शन आ गई सी लीवर 'च। सो जनवरी 'च वापस आया सीगा कुछ महीने इत्थे ला के 1 मई नूं वापस कैनेडा गया सी ते जिथे कि 24 मई नूं उहनूं साइलेंट अटैक आ गया। घरे गलबात होंदी सी की कहिंदा सीगा? घरे ठीक सी, लीवर वाली इनफेक्शन तां ठीक सी, पर एक दिन दसते हैं कि भी एक दिन हाथ पैर काम जहाँ छट गए थे 10 दिन पहला उदों डैथ होने को। तो फिर उदों कहा गया उन्होंने भी डॉक्टर दिखावे, फिर डॉक्टर उत्थे दिखाया तो उन्होंने टैस्ट लिए 5 जुलाई का समा दिता से क्योंकि सूँ पता ही है उत्थे मैडिकल का बहुत बुरा हाल है, टाइम नहीं मिलता, इसलिए इतों पता किया खून गाढ़ा की प्रॉब्लम है। जो इतों डॉक्टर कंसल्ट किया तो उन्होंने दसिया से, पर जो उन्होंने कुछ कर पाते उदों 24 मई में बच्चे डैथ हो गए। हाँ जी, देखो सुभाव बहुत वधिया सी, अज तक तो किसी कदे मैं तो जानता नहीं किसी उच्चा भी बोलिया होवे, सुभाव बहुत वधिया सी, सगो वधिया उहदे फ्यूचर की तलाश जिवें आम बच्चे जाते हैं कैनेडा गया सी, पर मैनू लगता शायद वो जिहड़ा पहला वाला कैनेडा सी वो हुण रहा नहीं, हुण बहुत फर्क आ गया उस जमीन आसमान का पिछले कुछ सालों नालों। नौजवान जिहड़े जाते हैं विदेशों के लिए फ्यूचर देख के उत्थे लगातार मौतां हो रहियां नौजवानों दीआं, की किवें देखदे हो, की लगदा तुहानूं? उतों के लाइफ स्टाइल से मैंने लगता कोई फर्क है क्योंकि अपना गर्म देश है, उतो ठंडे मुल्क एक बार जाने उदा शायद खून गाढ़ा होना भी एक बड़ा कारण है। दूजा बड़ा कारण है भी एक बार स्ट्रैस तो फेस करनी पैंती है बच्चे जाके नवे सिरों जिंदगी शुरू करनी है। सो मैं तो कहना भी जे जाने तो फिर पहली गल तो कोशिश करो भी ना जाओ, इतने कोई काम कर लो, जे जाने तो फिर पेशेंस 5-7 साल का रखना चाहिए। स्ट्रैस लाइफ स्टाइल ना तुम आपने आप भी दुखी कर दो, तो हम माँ प्यो देख लो 24 मई का बच्चे डैथ हुई है तो अज हूँ अजे 11 तरीक हो गई तो 11 तरीक नूं अजे बॉडी हुण पहुँच रही है, वह भी जो रस्ते च लैण गए हुए हैं अमृतसर।